सिनेमा का वो नाम जो अपने डांस, अपनी अदायगी और अपनी खूबसूरती के लिए हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है। देश की लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है वैजयंती माला। दक्षिण भारत की वैजयंती ने देश और दुनिया में अपने टैलेंट का डंका बजा दिया। वैजयंती का जन्म अगस्त 1936 को चेन्नई में रहने वाले एक अयंगर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम एमडी रमन और मां का नाम वसुंधरा देवी था। इनकी मां भी अपने जमाने की दिग्गज अदाकारा और नृत्यांगना रह चुकी हैं। 40 के दशक में तमिलनाडु इंडस्ट्री में वैजयंती की मां वसुंधरा देवी का बड़ा नाम था, क्योंकि मां एक प्रख्यात अभिनेत्री थी और अक्सर व्यस्त रहा करती थी, तो वैजयंती की परवरिश उनकी नानी यादुगिरी देवी ने की थी। नानी ने सिखाया अनुशासन। नानी ने वैजयंती को छोटी उम्र से ही डिसिप्लिन से जीवन जीना सिखाया था। नानी चाहती थी कि वैजयंती को अच्छी तरह से नृत्य सिखाया जाए। वैजयंती की कमर सीधी रहे, इसीलिए उनकी नानी उन्हें बिस्तर की जगह हमेशा एक चटाई पर सुलाया करती थी। छोटी उम्र से ही वैजयंती की नृत्य शिक्षा शुरू कर दी गई थी। स्कूली पढ़ाई के साथ साथ वैजयंती भरतनाट्यम की शिक्षा भी ले रही थी। जब रोम में वैजयंती माला ने किया भरतनाट्यम। वैजयंती महज 4 साल की ही थी जब साल 1940 में अपने माता पिता के साथ ये इटली की राजधानी रोम गई और वहाँ सर्वोच्च ईसाई धर्मगुरु पोप के सामने इन्होंने भरतनाट्यम की एक प्रस्तुति दी थी। 15 साल की उम्र तक वैजयंती भरतनाट्यम में पारंगत हो चुकी थी। भरतनाट्यम के अलावा कर्नाटकी नृत्य संगीत में भी वैजयंती ने दक्षता हासिल की थी। इसी उम्र से ही वैजयंती को फिल्मों में काम करने का पहला ऑफर भी आया था। फिल्मों का ऑफर और नानी का एतराज। वैजयंती के मामा वाई जी पार्थ स्वामी भी फिल्मों से जुड़े थे। वे न केवल एक एक्टर थे बल्कि तमिल नाटक लिखा भी करते थे। यही वजह है कि तमिल फिल्मी शख्सियतों का वैजयंती के घर आना जाना लगा रहा करता। अपने नृत्य कौशल से 15 साल की उम्र तक वैजयंती तमिलनाडु में बढ़िया नाम कर चुकी थी। इसीलिए उस दौर के दिग्गज डायरेक्टर जो कि तमिल के थे, एम वी रमन ने वैजयंती को अपनी फिल्म वजकई में काम करने का ऑफर दिया। लेकिन इनकी नानी ने इनकी फिल्मों में काम करने पर सख्त एतराज जताया। उन्हें फिक्र थी कि अगर वैजयंती फिल्मों में काम करने लगी तो उसका नृत्य और पढ़ाई छूट जाएगी। मगर जब डायरेक्टर एम बी रमन ने नानी को भरोसा दिलाया कि फिल्मों में काम करने से वैजयंती की पढ़ाई नहीं छूटेगी और डांस के चलते उनकी लोकप्रियता चौगुनी हो जाएगी, तो नानी ने वैजयंती को फिल्म साइन करने की छूट दे दी और शुरू हो गया वैजयंती माला का फिल्मी सफर। इस तरह साल 1949 में वजकई फिल्म से वैजयंती का फिल्मी सफर शुरू हो गया। अगले साल यानी 1950 में वैजयंती ने जीवीथाम नाम की एक तेलुगु फिल्म में काम किया और फिर साल 1951 में आई फिल्म जिसने वैजयंती को हिंदी सिनेमा में एक जबरदस्त और मजबूत शुरुआत दिला दी। ये फिल्म थी बहार और ये फिल्म वैजयंती माला की पहली हिंदी फिल्म थी और ये वजकई की ही रीमेक थी। जब बनी हिंदी सिनेमा का बड़ा नाम, बहार से मिली सफलता के बाद वैजयंती ने अपना ध्यान हिंदी फिल्मों की तरफ लगाना शुरू कर दिया। हालांकि वो दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी बराबर काम किया करती थी, लेकिन वैजयंती को यह एहसास हो चुका था कि हिंदी फिल्मों के जरिए वो एक बड़ी ऑडियंस के बीच खुद को स्थापित कर सकेंगी। इसी का नतीजा रहा कि साल 1954 में आई वैजयंती की फिल्म नागिन ने सफलता की एक नई इबारत लिख दी। ये फिल्म उस जमाने में बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। हिंदी पर की थी विशेष मेहनत। हिंदी सिनेमा में सफलता हासिल करने के लिए वैजयंती ने हिंदी लिखना और बोलना सीखने के लिए काफी मेहनत की थी। दरअसल वैजयंती चाहती थी कि हिंदी फिल्मों में अपने डायलॉग्स वो खुद ही बोले। नागिन फिल्म को मिली जबरदस्त कामयाबी ने वैजयंती की ये पूरी मेहनत पूरी तरह से वसूल भी करा दी। इसके बाद तो वैजयंती माला ने एक से बढ़कर एक हिंदी फिल्मों में काम किया और हिंदी फिल्मों के हर बड़े स्टार के साथ सिल्वर स्क्रीन को शेयर किया। बड़े स्टार संग उड़ी अफेयर की अफवाहें। दिलीप कुमार और राज कपूर जैसे सितारों के संग इनकी जोड़ी खूब पसंद की गई। दोनों के साथ ही इनके अफेयर की खबरें खूब उड़ी। लेकिन सालों बाद अपनी किताब बॉन्डिंग ए मेमोयर के जरिए वैजयंती माला ने इन खबरों को कोरी बकवास और मीडिया की पब्लिसिटी स्टंट बताया। न केवल एक्टिंग बल्कि डांस के जरिए भी ये लोगों का दिल जीत रही थी और केवल शास्त्रीय नृत्य ही नहीं, वेस्टर्न डांस में भी वैजयंती बेहद माहिर थी। साल 1957 में आई फिल्म आशा में इन्होंने वेस्टर्न डांस करके लोगों को चौंका दिया था। इस फिल्म में किशोर कुमार संग इनकी कॉमिक केमिस्ट्री भी दर्शकों ने बड़ी पसंद की थी। ठुकरा दिया था फिल्म फेयर। वैजयंती के करियर में 1955 में आई देवदास फिल्म का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को पता चला था कि वैजयंती न केवल एक बढ़िया नृत्यांगना है बल्कि एक उम्दा अदाकारा भी है।
इस फिल्म में दिलीप कुमार देवदास बने थे और वैजयंती ने चंद्रमुखी का किरदार निभाया था। चंद्रमुखी के किरदार को खूबसूरती से जीने के लिए वैजयंती को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था, लेकिन वैजयंती ने ये कहकर वो ठुकरा दिया कि देवदास की जिंदगी में चंद्रमुखी की बड़ी अहमियत थी और वो कोई सपोर्टिंग किरदार नहीं था, मैं बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड को ही स्वीकार करूंगी। उस साल देवदास फिल्म में पारो का रोल करने वाली अभिनेत्री सुचित्रा सेन को बेस्ट एक्ट्रेस का किरदार का अवार्ड भी दिया गया था। वैजयंती माला को मिले थे ये सभी अवार्ड्स। वैजयंती को मिले अवार्ड्स की बात करें तो साल 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना और 1968 में आई फिल्म संघर्ष के लिए बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड दिया गया था। फिल्म गंगा जमुना के लिए ही वैजयंती को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा साधना और संगम के लिए भी वैजयंती माला ने फिल्म फेयर अवार्ड्स में अपने नाम किए थे। इसके अलावा साधना और संगम के लिए भी वैजयंती माला ने फिल्म फेयर अवार्ड्स अपने नाम किए थे। साल 1996 में फिल्म फेयर ने ही वैजयंती माला को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया था। साल 1982 में वैजयंती को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया था। साल 1968 में भारत सरकार ने भी वैजयंती को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। डॉक्टर चमनलाल बाली से प्यार और फिर शादी। वैजयंती की निजी जिंदगी की बात करें तो इन्होंने डॉक्टर चमनलाल बाली से शादी की थी। चमनलाल बाली राज कपूर के पर्सनल फिजिशियन थे और पहले से शादीशुदा थे। पहली शादी से उनके 3 बेटे भी थे। वैजयंती माला और चमनलाल की मुलाकात का किस्सा भी बड़ा ही दिलचस्प है। एक दफा वैजयंती कश्मीर में डल झील पर किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। एक सीन के दौरान वैजयंती माला डल झील में गिर पड़ी और बीमार पड़ गई। उन्हें तत्काल मुंबई लाया गया। इत्तेफाक से वैजयंती माला का इलाज डॉक्टर चमनलाल बाली ही कर रहे थे। इलाज के दौरान वैजयंती माला और डॉक्टर चमनलाल बाली की दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। डॉक्टर चमनलाल ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया और फिर वैजयंती माला व डॉक्टर चमनलाल बाली ने शादी भी कर ली। इस तरह वैजयंती माला बन गई वैजयंती माला बाली। वैजयंती माला का एक बेटा है जिसका नाम सुचिंद्र बाली है और वो भी एक एक्टर है। सुचिंद्र बाली साउथ फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। हालांकि सुचिंद्र ने हिंदी फिल्मों में अपना करियर शुरू किया था, लेकिन हिंदी सिनेमा में उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। साल 1986 में वैजयंती के वती डॉक्टर चमनलाल बाली ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। वैजयंती माला ने पॉलिटिक्स में भी काफी नाम कमाया। पंडित नेहरू से वैजयंती माला की बढ़िया जान पहचान थी। इसके बाद इंदिरा गांधी से भी वैजयंती माला के संबंध बेहद मधुर थे। इंदिरा गांधी के सपोर्ट से ही वैजयंती माला ने साल 1984 में साउथ चेन्नई सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और सांसद बनी। 1989 में एक बार फिर वैजयंती माला इसी सीट से सांसद बनी थी। साल 1993 में कांग्रेस ने वैजयंती माला को राज्यसभा भेजा, लेकिन साल 1999 में वैजयंती माला का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ले ली। इन दिनों अपनी बढ़ती उम्र के चलते वैजयंती माला ने खुद को पॉलिटिक्स से दूर कर लिया है। वैजयंती माला की उम्र 85 साल की हो चुकी है। उम्र के इस पड़ाव पर आकर उन्होंने खुद को सोशल लाइफ से पूरी तरह से दूर कर लिया है। वैजयंती के एकलौते बेटे सुचिंद्र ने शादी कर ली है और वो खुद भी एक बेटी के पिता बन चुके हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।